आप देख रहे हैं डीडी समाचार और दलजीत अजनोला। दोस्तों अज महामाई के जोड़ा नवरात्रे चल रहा है, सत्तवां नवरात्र है, जिदे असी विशेष तौर पर पहुंचे हैं राजणी माता मंदिर, जिथे असी राजणी माता मंदिर के पुजारी जसवीर गिरी जी महंत जी के गलबात करेंगे। मंदिर के इतिहास संबंधी, नवरात्रियों के संबंधी भी किस तरह संगत आ रही नतमस्तक होकर अपना महामाई के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। सो जसवीर गिरी महंत जी, तुहाडा स्वागत है जी डीडी समाचार ते। सारे चैनल ते नमस्कार जी। सर जी, जरा महामाई का मंदिर, राजणी माता का मंदिर, अज नवरात्रे चल रहा है, सत्तवां जरा नवरात्रा है, तो संगत बहुत हर्षोल्लास के आदियाँ महामाई के चरण नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। इस मंदिर के इतिहास बारे जो सारे दर्शक, इत बहुत पुरानी कहावत आ, जिदा इतने जीजो तो लैके बिजवाड़े तक इको शहर होंगे जी, पहला राजणी माता मंदिर जी। इतने एक राजा होंगे मुसलमान राजा, वो जिदा भी कोई भी नवा विआह होंदा सी, वो एक रात अपने को डोली रख के फिर अगे जान दिता होंगे जी, चाहे वह जट्टा की है, चाहे ब्राह्मणा की, जिहड़ी मर्जी च कास्ट की लड़की आ, वो एक रात अपने को रख के फिर अगे जान दिता होंगे डोली। तो होंगी रही होंगी रही, फिर ब्राह्मणा के घर कोई लड़का ज लड़की नहीं सी, मेरे माता जी ने उन्होंने बरान बरदान दिता, महामाई असी मैं तेरे घर आऊँगी जन्म लैके। फिर वो ये राजे का काम, उन्होंने फिर माता के घर इतने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। फिर माता जी जो ब्याह जोगे हुए तो उन्होंने अपने घरदियों पहला कहता जी, राजे ने पहला कह दो सत्त दिन तू नहीं मेरे मत्थे लगना, सत्त दिन मैं नहीं तेरे मत्थे लगना, अठवें दिन जो तेतों तू कर ली, जो मेतों मैं कर ली जी। तो होंगी रही होंगी रही, तो जिदन वो ब्याह जोगे हुए, वो माँ बाप सोचने लगे असी हूँ ब्याहने हाँ। जो उन्हें राजे को गए, उन्होंने को बहते थी, लगती थी वो प्रजा लगती सी, तो उन्होंने फिर उन्होंने पूछा राजे ने, कहना हाँ जी ब्राह्मण तुम आगे आ, कहते इधर इधर साढ़े एक एक लड़की है जी, तुम डोला ना रोकोगे तो कहता, वो कहता जी मर्जी है, मैं तो डोला रोक के फिर अगे जा। फिर वो आके घर चिंता कर लगे माँ बाप माता जी ने, कहने फिर माता जी ने पूछा, कहते जो भी तुम मेरे ब्याह की रीत पूरी कर दी वो कर दो, अपनी जो भी गहना गट्टा जो भी मैंने पाना पा सकते हैं। फिर वो माता जी ने पाया, उन्होंने पाता माता जी ने, अगे पहाड़ होंगे सी डोली चकने वाले, उन्होंने अगे रोकने से डोली, और डोली रोकने तो डोली रोक के उन्होंने पहला कहता माता जी ने, कहते उन्होंने कह दो राजे ने सत्त दिन तू नहीं मेरे मत्थे लगना, ना मैं तेरे लगा, अठवें दिन जो होते तो हूँ कर दी। चलो जी, उन्होंने अपना एक टेंट लाता, उन्होंने जिते माता जी हो राजे ने माता जी समाया उत्थे दी गल आ, ते उन्होंने फिर जिस मंदिर ते असीं मत्था टेके आए नतमस्तक उस जगह दी गल है। हाँ जी, उस जगह दी मेन जगह दी गल आ जी। ते उन्होंने फिर कीता, उन्होंने अपनी भगती की माता जी ने अंदर अपने, ते जदों अठवां दिन आया माता जी ने शाम नूं सत्तवें दिन बाज दवाती राजे नूं, भाई शहर च कोई बिना रवे, ना कोई जानवर, ना बंदा, ना कुछ बिना रवे, ये अठवें दिन शहर पूरे का पूरा गर्क हो जाना। तो राजा बोलिया ले इधर बहुत, उन्होंने फिर भी बाज दवाती राजे ने, सारे शहर से बाज घुमाती, जो अठवां दिन होया ये पूरा शहर का चेहरा ही गर्क हो गया। हाँ जी, ये कहने जी माता जी, सारा दुबारा बियाबान बन गया, उस तो बाद ये बाद होया जी। बाबा जिवें असीं गल कीती राजणी माता दे इतिहास दे संबंधी, किस तरह राजे ने इस तरह डोली रोक दे, तो उस बाद महामाई ने कहा इस तरह तुसीं कर दिओ सारा पिंड करके जाणा। अज उस जगह पर जिथे महामाई का टेंट लाया तंबू, उस जगह पर असीं जाके दर्शन करके आए, असीं कोशिश करांगे अपनी संतां नूं भी दर्शन कराइए राजणी माता के स्थान के। बाबा जी, इत्थे किहड़े किहड़े समागम जिहड़े आ महामाई दे मेले च लगदे? इत्थे जिहड़ा मर्जी सुखना कर लो, जिदा किसी के शरीर से कोई भी रोग आ, किसी के खाज हो जाती है, फोड़ा हो जाती है, पिंसी हो जाती है, गुआढ़ियाँ हो जाती, मुके हो जाते हैं, जो मर्जी शरीर से है वो माता ने सुख लो, किसी के गुंगिया हो जाती, जिदा किसी के गटियां हो जाए पैरों से, जो भी शरीर से वो सुखना कर लो, महामाई ऐन ठीक कर देंगी है। थले इस माता का सरोवर बनया, थले उ जाके जोड़ा भी कोई इनान करता, किसी की कोई भी किसी तरह की एलर्जी हो गए हैं, महामाई कृपा कर देंगे, ऐन ठीक हो जाए। मंत जी, इतने किड़े किड़े समागम कराए जाते हैं जो इस मंदिर के करवाए सालाना थोड़े वालों कमेटी वो कराए जाते हैं? इतने जिदा का ये पूरे नराते लगते हैं, नौ नराते जी जी, फिर नौवें नराते इतने हवन होंगे, फिर उस तो बाद कंजक पूजिया जाएँ, फिर उस तो बाद लंगर पानी का होंगे जी, एक इतने बारहवें महीने भंडारा किया जाता, वो सारी संगत जाती है, जिदा साधु महात्मा होंगे जूनागढ़ चो बहुत आती संगत, वो फिर आने के महीने किया जाता, जोड़ा मेन लगता वो लगता चेत महीने, वो जिन्हें भी मंगलवार होंगे चाहे उस चार आवे महीने से, चाहे आज पंज मार्च की पंद्रह तरीक तो लैके अप्रैल की तेरह तरीक तक जिन्हें भी मंगल आ गए उन्ने ही मंगल लगते हैं जी।
ਅਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਰਾਜਣੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਮਹਾਂਤ ਜਸਵੀਰ ਗਿਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹਰਸ਼ੋ ਉਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅਕੀਜਨ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਡੀ ਡੀ ਸਮਾਚਾਰ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਅਜਨਾ।